हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम एलसीएम निकालना बताएंगे, वो भी गुणन खंडन विधि द्वारा। आपने भाग विधि द्वारा बहुत देखा होगा और आपको आता भी होगा, पर गुणन खंडन विधि से हम आज बताएंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए, मैंने क्वेश्चन ले रखा है जिसमें है 12, 16, 24 तथा 36 का लसा, मतलब एलसीएम निकाले, ठीक ना। तो चलिए अब हम एलसीएम निकालते हैं बिना टाइम वेस्ट के। और हाँ, इसको समझने के लिए आप एंड तक बने रहिएगा, जब भी आपको समझ में आएगी वो भी बिना स्किप किए हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले 12 है, तो 12 का हम करेंगे, ठीक ना। 12 इक्वल टू, तो इसमें तो हम किस गुणनखंडन विधि से बना रहे हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हम 12 का जैसे हम भाग विधि से बनाते हैं वैसे बना लेंगे, ठीक ना। यहाँ देखिए, 12 का हम भाग विधि से बना रहे हैं, भाग विधि से जैसे बनाते हैं वैसे। तो इसको पहले 2 से करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। फिर से 2 में करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। उसके बाद 3 से करेंगे तो 1 बार में जाएगा, होगा ना। तो गुणनखंडन विधि से यही करना है कि नीचे जो हम मल्टीप्लाई में लिखते हैं उसको हमको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है, ठीक ना। ये जो हम लिखे हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 × 2 × 3। मतलब करने पे इतना, आप ये भी नहीं भी कीजिए, ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक ना। आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, इतना करने के बाद 12 आपको आना चाहिए। देखिए, जैसे 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 में 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12, इतना आया ना। वैसे ही आप 16 का करेंगे। अगर आपको ये हार्ड, मतलब ऐसे माइंड में नहीं आ रहा हो कि कितना में कितना से गुना करें, तो हमारा 12 या 16 या 24 लाए, तो आप डायरेक्टली इस वाले मतलब भाग विधि द्वारा एलसीएम बना लीजिएगा। उससे आपको एकदम डायरेक्टली ये वाला जो नीचे में आप मल्टीप्लाई करते हो वो लिख दीजिएगा, एकदम राइट होगा। ये एक ट्रिक है। अब देखिए 16 का कैसे करेंगे। 16 इक्वल टू, देखो अब यहाँ पे 16 का एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 से करेंगे तो 2 × 8 = 16। फिर यहाँ से 2 से ही करेंगे, जब तक 2 से डिवाइड हो तब तक हम 2 से ही करेंगे, अगर 2 से नहीं हो तब हम 3 करेंगे, ठीक ना। अब देखिए, 2 से 8 कितने बार में हो रहा है, 4 बार में हो रहा है। तो अब इसको हम कर देंगे, अब 2 से 4 2 बार में हो रहा है। उसके बाद अब 2 से फिर से करेंगे तो 2 से 2 1 बार में डिवाइड हो गया, हो गया ना। अब हमारा कितना बचा, 1 2 3 4 2 आ रहा है। तो हम यहाँ पे सिंपल सा जैसे इसको लिखे हैं वैसे लिख देंगे, कितना है, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, तो 2 × 2 = 4, 4 × 8 = 8, 8 × 2 = 16। हमारा ये वाला 16 आ गया है। तो इसी तरीके से हम 24 को करेंगे, ठीक ना। तो 24 को करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हम ऐसे बता रहे हैं, आप सब में वैसे करके देखिएगा, हम डायरेक्टली अब ऐसे बता रहे हैं, 2 × 2 × कितना हो जाएगा, 4, 4 × 8, और 8 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 8 × 3 = 24। अब हमारा कितना आया, 36। तो हम 36 का अब करेंगे, सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। तो यहाँ देखिए, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, और 4 अब करेंगे 3 से, तो 4 में 3 से करेंगे तो कितना, 12 हो जाएगा, और 12 में 3 से करेंगे तो 12 × 12, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36, 36 आ गया। अब देखिए, यहीं पे खत्म नहीं होता, ये तो हमारा सिर्फ आधा है। तो ऐसे करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि हमारा सबसे बड़ा घात कौन सा है, मतलब इक्वल टू में अब यहाँ पे लिखेंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पे इक्वल टू में लिखेंगे 2 कितना बार है, 2 बार है, तो इसको 2 का घात 2 करेंगे, और इनटू में 3 एक बार है, तो हम 3 को डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे। अब इसके इक्वल टू में देखिए 2 कितना बार है, तो 2 कितना बार है, 4 बार है, तो हम यहाँ 4 काउंट करके लिख देंगे। यहाँ पे 2 देखिए कितना बार है, 3 बार है, और 3 एक बार है, तो गुने में हम डायरेक्टली 3 ही लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इक्वल टू में 2 कितने बार है, 2 बार है, और गुने में 3 कितने बार है, 2 बार है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे कि सबसे बड़ा घात कौन सा है,
मतलब जिसका जो घात ऊपर में है वो सबसे ज्यादा किसका है। तो यहाँ पे देखिए, मतलब दो में सबसे दो ही अंक का रहना, दो और तीन, तो दो में सबसे घात दो, ए इस पे दो ही है, इस पे तीन ही है, ए पर इस पे दो ही है, तो सबसे बड़ा क्या होगा, चार हो गया। और तीन में देखिए तो यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ दो है, तो हमारा सबसे बड़ा घात किसका हो गया, दो, तथा तीन का सबसे बड़ा घात हमारा दो और चार हो गया। तो सबसे बड़ी घात इज इक्वल टू, हम ऐसे लिखेंगे, सबसे बड़ी घात इज इक्वल टू कितना है, दो का फोर गुने में कितना है, तीन का टू। जो सबसे बड़ा हो उसको हम एक बार सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, दो को चार बार गुना करना है, दो गुने दो गुने दो गुने दो, चार बार है, तो यहाँ पे चार बार लिखेंगे। अब यहाँ पे कितना है, तीन, तीन का है, मतलब साथ में ही इसको भी लिखेंगे, गुने तीन गुने तीन हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए कितना, जो दो दुने चार, चार दुने आठ, आठ दुने के 16, पहले दो वाला को लिख देंगे, 16 हो गया, और तीन का तीन त्याई के 9 हो गया। अब देखिए 16 में 9 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 16 नमा 100, तो 16 नमा के हमारा हो जाएगा 144। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो सबसे पहले आपको कितना भी हार्ड वर्ड हो तो आप इस तरीके से एलसीएम भाग विधि द्वारा निकाल लीजिएगा, और जो नीचे में आता है उसको यहाँ पे कर लीजिएगा, और उसमें देखिएगा कि कौन सा अंक कितने बार है। तो दो दो बार था तो दो का घात दो कर दिए, मतलब दो दो बार है। तो ऐसे करके उसके बाद देखना है कि सबसे बड़ी घात वाली संख्या कौन है। तो यहाँ पे था दो और तीन, तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं, और दो चार बार था तो हम चार बार लिख के, और फिर तीन दो बार था तो तीन बार लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे दो का किए हैं तो 16 आया है, तीन तय के 9 आए हैं, फिर गुना कर देंगे तो 144। तो हमारा लॉस कितना आ जाएगा, 12 12 16 24 का जो हमारा एलसीएम होगा वो हमारा होगा 144। तो लॉस इज इक्वल टू कितना हो गया, 144। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम गुणन खंडन विधि से भाग बनाते हैं। और अब यहाँ पे देखिए, अब आपको दो टॉपिक मिल गया। अब यहाँ भाग विधि से ऐसे बनाते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हम भाग विधि से वीडियो भी बना रखे तो उसका हम लिंक दे देंगे, आप चेक कर लीजिएगा। तो आई होप हमारी तरीका आपको समझ में आई होगी। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्ले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, और हाँ वीडियो पे लाइक कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।